नमस्कार दोस्तों, मैं पायलट सुमित एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तो आज की जो वीडियो है वो वही रोजगार से संबंधित जानकारी को लेकर है। तो जैसा कि आज ही एमई पेपर लाइव हिंदुस्तान, अगर आप हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं तो उसी में आज की 19 तारीख जो है आज 19/8/2018 की न्यूज़ है, जिसमें कि साफ साफ कहा गया है कि रेलवे में तकनीकी पदों के लिए ठेके पर भर्ती। तो जैसा कि मैं बता दूँ, ये पत्रकार अरविंद सिंह जी हैं और ये रेलवे से संबंधित ही न्यूज़ ही ज़्यादातर इस में आती है इनकी लिखी हुई। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये है क्या। इन शॉर्ट में बात करें तो इन शॉर्ट में ये बात होती है कि ये जो पद है ठेकेदारी पर होने वाले कौन से पद हैं। तो ये लेवल 6 और लेवल 7 की जो भर्ती होती है वो ठेकेदारी जाएंगे। लेवल 6 और लेवल 7 आप कौन से वाले पद होंगे, वो पद होंगे हमारे इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड टेलीकॉम के जो S&T होती है उससे जुड़े हुए पद हो सकते हैं। और कितनी काउंटिंग होगी ये सारी चीज़ें इस न्यूज़ में पढ़ेंगे, है ना। अगर कोई व्यक्ति इस न्यूज़ को पढ़ना चाहता है, आप में से कोई भी इसको पढ़ना चाहता है, सीधा सा करना ये है कि आपको एमई पेपर लाइव हिंदुस्तान की साइट पर जाना और आपको आज की डेट में आपको ओपन करके खोल के देख लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो पहले मैं बात करता हूँ इस न्यूज़ की, तो थोड़ा सा मैं इस न्यूज़ को पढ़ूंगा और उस पर थोड़ी सी रोशनी आपके ऊपर डालूंगा। न्यूज़ पे पढ़ते हैं, रेल संरक्षा वर्ग स्टाफ की भारी कमी के कारण रेल परियोजना प्रभावित हो रही है। इसको देखते हुए रेलवे बोर्ड ने पहली बार रेलवे के संरक्षा वर्ग में रिक्त पदों पर ठेके पर नियुक्ति के लिए हरी झंडी दे दी है। रेलवे के इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल और टेलीकॉम विभागों में हजारों युवाओं को नौकरी करने का मौका मिलेगा। हालांकि रेलवे में संरक्षा काफ़ी संवेदनशील मामला है, इसलिए रेलवे बोर्ड ने ठेके पर नियुक्तियों को 2 साल के लिए प्रयोग के तौर पर शुरू किया है। हालांकि 2 साल के लिए प्रयोग यानी एक ट्रायल की तरह रहेगा, सब ठीक रहा तो इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खाली पदों के कारण रेलवे की चालू परियोजना आने वाली अड़चनों को देखते हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्वनी लोहानी ने सभी बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में संरक्षा वर्ग के ठेके पर नियुक्ति पर सहमति बनने के बाद 13 जुलाई को सभी महाप्रबंधकों और उपक्रमों को आदेश जारी कर दिया गया है। ये 13 जुलाई जो अभी गई है। अधिकारी ने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक रेलवे में संरक्षा वर्ग के 3.5 लाख पदों में से 25% से अधिक रिक्त हैं। इस प्रकार रेलवे ठेके पर 87,000, आप समझ लीजिए बहुत बड़ी काउंटिंग होती है, 87,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्तियां कर सकता है। सबसे अधिक विद्युतीकरण की परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे विद्युतीकरण व निर्माण कार्य के लिए इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल व सिग्नल टेलीकॉम विभाग में सीधी भर्ती की जाएगी। शैक्षिक योग्यता के अलावा उनकी मेडिकल जांच अनिवार्य होगी। तो इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे आते ऊपर प्रयोग के आधार पर 2 साल के लिए तैनाती, ठेके पर होने वाली ये भर्ती 2 साल के प्रयोग के तौर पर होगी। लेवल 6 के तहत होने वाली भर्तियों में 27,000 और 30,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। वहीं लेवल 7 में 32,000 से 34,000 और 37,000 वेतन मिलेगा। इसके अलावा दूसरी श्रेणी ए का ड्यूटी पास भी दिया जाएगा। तो देखिए, जैसे कि आपने पूरी न्यूज़ में पढ़ा, तो इसमें जो मोटी बात या इसमें से निचोड़ निकाला जाए तो निचोड़ जो निकलता है, एक तो यह कि जो भर्ती होनी है वो आपकी लेवल 6 और लेवल 7 की होनी है। दूसरी जो बात आती है वो आपकी किस डिपार्टमेंट में होनी है, वो डिपार्टमेंट होते हैं हमारे इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड S&T, ठीक ना। तो ये 2 चीज़ें आपकी आती है। अब ये बात ये आती है लेवल 6 और लेवल 7 कौन सी पोस्ट होती है। जैसे कि आप पे मैट्रिक 7 पे की देखते हैं, तो जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में कई बार बताया कि लेवल सिस्टम शुरू है, लेवल सिस्टम में भर्तियाँ होती हैं। तो लेवल 6 होता है ग्रेड पे 4200 का और लेवल 7 होता है ग्रेड पे 4600 का। अगर बात कर ली जाए कि लेवल 6 और लेवल 7 में इंजीनियरिंग से जुड़े हुए संबंधित पद, तो वो आता है JEE के पद आते हैं। जो भी JEE की भर्ती काफ़ी समय से हो नहीं पा रही है और जो भी भर्ती हुई है वो भी एक लंबे पीरियड के बाद हुई थी, तो JEE की और SSC की भर्तियों को एक तरफ से इसकी तरफ इशारा मैं समझ रहा हूँ कि शायद उसी तरफ इशारा हो रहा है ना। लेकिन अब जो बात है वो सच्चाई तो तभी आएगी जब भर्ती ये वाली शुरू हो पाएंगी। तो लेवल 6 की जो है वो ग्रेड में 4200 और लेवल 7 जो 4600। अब जो होनी थी JEE और SSC की, जैसा सुनने में आ रहा था कि इस साल में 2018 के एंड तक में JEE और SSC का नोटिफिकेशन आने की ऐसी खबर सुनने में आ रही थी। अब ऐसी न्यूज़ आने जाने के बाद में अब क्या न्यूज़ ये जो आई है आज की न्यूज़ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो इस न्यूज़ के आ जाने के बाद में अब आपकी इसके ऊपर में क्या सोच है कि क्या JEE और SSC की RRB के थ्रू भर्ती आने वाली जो नोटिफिकेशन की बात लोगों के बीच में चल रही थी वो क्या कंटिन्यू रहेगी, तो इसी के बारे में
थोड़ा सा आप देखेंगे तो जो 4200 की उसमें यहाँ पेमेंट की बात की गई थी ट्रायल बेसिस पर 2 साल के लिए, वो यहाँ 35400 हुआ करती थी, जो कि वहाँ कम हो रही है। और ऐसी बात करें लेवल 7 के लिए जो ग्रेड पे 4600 पे थी, उसकी 44900 स्टार्टिंग पेमेंट थी। तो ये भी दोनों चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं वहाँ पे, क्योंकि यह एक जारी ठेकेदारी में। तो ये सब चीज़ रोजगार की नज़र से देखा जाए तो ये एक अच्छा कदम है या बुरा, ये आप अपनी नज़रिए से मेरे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं कि ये कैसा एक्शन रहेगा जो भी है। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि बात